नमस्कार, हम सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुपोषण सुपोषण इसके बारे में पढ़े हैं, भोजन के कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में पढ़े हैं। आज हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन जो है मनुष्य की आवश्यक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन में अधिक दिनों तक जिया नहीं जा सकता है। और प्रकृति में मानव जन्म से पहले ही पोषण की व्यवस्था उसके माता के स्तन में दूध भरकर की प्रकृति ने की है। और धात्री अवस्था में माता के स्तनों से प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 ml दूध उत्पादित होता है। शेष अवस्था में बालक माता के स्तनों से दूध पीकर अपना पेट भरता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका पाचन अंग सुदृढ़ होता जाता है, तो वो दूसरे भोजक तत्व तरल आहार में और तरल आहार में फिर ठोस आहार में पचाने लगता है। प्रकृति ने मनुष्य को भोजन के रूप में अनाज दिया है, दाल दिया है, फल सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे आदि अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए हैं, जिन्हें खाकर मनुष्य को तृप्ति एवं संतुष्टि मिलती है। और भोजन का कार्य सिर्फ भूख को खत्म करना नहीं, बल्कि पौष्टिक तत्वों को उसकी प्रॉपर आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना भोजन का कार्य है। आज भी अधिकांश लोगों को भ्रम है कि संतुलित भोजन का अर्थ महंगे भोज्य पदार्थ से है, परंतु सच ये है कि सस्ते आहारों में भी संतुलित भोजन का सेवन प्रतिदिन किया जा सकता है। इसके लिए आपकी सूझबूझ की जरूरत होती है। अगर आपको नॉलेज है कि किस भोज्य पदार्थ में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, तो आप अपनी समझदारी का प्रयोग करके कम बजट में ही अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और धात्री अवस्था में क्या है कि निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की मांग बढ़ जाती है। अब आते हैं संतुलित आहार को। आपको पता है कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? लिंग प्रभावित करता है, उम्र, शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया में आप कहते हैं अधिक क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील और साधारण क्रियाशील व्यक्ति। आपका स्वास्थ्य, जलवायु, विशिष्ट शारीरिक अवस्थाओं में आपके गर्भावस्था और धात्री अवस्था है। और कैलोरी क्या है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और वसा भी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, परंतु इसमें संतृप्त वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि उपस्थित होते हैं, जिसका शरीर के लिए अधिकतर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसलिए भारतीय ऊर्जा प्राप्ति हेतु कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ का ही सर्वाधिक उपयोग करते हैं। ये कार्बोज किस में पाया जाता है? चावल में, गेहूं में, बाजरा में, रागी में, जौ में, मक्का में। और अधिकांश भारत में अधिकांश कार्बोज की अधिकता रहती है भोजन में। शेष 80 से कार्बोज लगभग 80 से 90% लेते हैं लोग। शेष 10 से 20% ऊर्जा वे वसा से प्राप्त करते हैं। और अधिकांश अनाजों में 6 से 12% तक प्रोटीन होता है। रागी को छोड़ के सभी अनाजों में कैल्शियम की भारी कमी होती है। रागी जो है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। अनाजों में विटामिन B1, B2, नियासिन की प्रचुरता रहती है। अनाज, शक्कर, गुड़, आलू, शकरकंद आदि ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और गर्भावस्था और धात्रीवस्था में कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का निर्माणात्मक कार्य होता है। अनाजों में विटामिन B1, B2, नियासिन की प्रचुरता रहती है। ये तो बता दिया आपको। और नेक्स्ट जो है ये चार्ट है, इसको आपको याद करना होगा। इसमें आपके दिए हैं कि कौन कौन सी विटामिन
यहाँ देखिए रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ऐसे ही सारे जो भी आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में दिया है, और किस किस उम्र में किस किस भी, ये मैन का है, वोमेन का है, इन्फेंट का है, चिल्ड्रन का है, बॉय गर्ल, और उनके एज दिए गए हैं, ये पोषक तत्व हैं, कितनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये सब आपको याद करना होगा। मैक्सिमम क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कभी कभी पूछ रहता है, अधिकतर आयरन के बारे में पूछता है, तो आयरन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को याद करके चाहिए, प्रोटीन और फैट कभी कभी पूछता है। और इसमें आपका रेटिनॉल और नाइसिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन इतना नहीं पूछता है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं वसा। वसा आपके ऊर्जा प्राप्ति का शांत स्रोत है, यह शरीर के आवश्यक वसीय अम्ल जैसे कि लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और एराकिडोनिक अम्ल प्रदान करता है। ये तीनों आवश्यक वसीय अम्ल हैं, ये हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके अभाव में त्वचा पर एक रोग हो जाता है जिसे फाइनोडर्मा रोग कहते हैं। तो फाइनोडर्मा रोग किससे होता है? वसा की कमी से होता है। कौन कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है? लिनोलिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक। और वसा क्या है कि कुछ विटामिन्स जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से वो विटामिन है? विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। और वसा की अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप आदि हो जाते हैं। तेल, बीज तथा सूखे मेवे में ये पाया जाता है, जैसे सरसों, तीसी, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, बादाम, सेफ्लॉय, सनफ्लावर। और ये जो है आपके वसा प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। अब आते हैं विटामिन। विटामिन सुरक्षात्मक भोज्य तत्व हैं। ये विटामिन अगर ए की बात करें तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, आपकी ए, डी, ई उनके वसा में घुलनशील विटामिन आते हैं। विटामिन ए आपके आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन ए को केरोटीन एवं रेटिनॉल में मापा जाता है। प्राणी भोज्य पदार्थों में जो विटामिन पाए जाते हैं उसे रेटिनॉल रूप में मिलता है, जबकि वनस्पति भोज्य पदार्थों से जो प्राप्त होता है विटामिन ए वो कैरोटीन के रूप में उपलब्ध रहता है। और आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने बताया कि 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल 4 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन के बराबर होता है। जैसे कि अगर शैशवावस्था में रेटिनॉल की 350 माइक्रोग्राम की आवश्यकता है तो 1200 बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होगी। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता है सूरज से मिलता है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम, फास्फोरस का अवशोषण करता है और ये दांतों और हड्डियों की सुदृढ़ता के लिए जरूरी होता है। इसके अभाव में हड्डियों से रिलेटेड रोग हो जाते हैं, जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया आदि। और सूर्य की किरणें क्या करती हैं? विटामिन डी के ये उत्तम स्रोत होते हैं। ये त्वचा के नीचे एक 7-डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जो सूर्य के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है? कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, और वसी मछलियाँ इसके उत्तम स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है नियासिन। विटामिन B1 आपको पता है बेरी बेरी रोग होता है, इसकी कितनी मात्रा आवश्यक है ये आपके पीछे चार्ट में दिया हुआ है।
राइबोफ्लेविन का, राइबोफ्लेविन क्या है कि शुष्क खमीर में राइबोफ्लेविन का उत्तम स्रोत है। अनाज और दाल में भी विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। नियासिन पढ़ते हैं, नियासिन को नियासिनामाइड या निकोटीनिक अम्ल कहते हैं। यह विटामिन की दैनिक प्रस्तावित मांग भी कैलोरी मांग पर निर्भर करती है। जैसे कि आईसीएमआर ने, बहुत विशेषज्ञों ने क्या किया कि 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी के अनुसार इसकी दैनिक प्रस्तावना की है। नियासिन की जो मांग है वो कैलोरी की मांग पर निर्भर करती है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा हो जाता है, और जितने भी अनाज है, दाल है, सूखे मेवे हैं, मांस है, निकोटीनिक अम्ल प्राप्ति के उत्तम स्रोत है। मूंगफली में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12, यह विटामिन के और प्राणी भोज्य पदार्थों में जैसे कि दूध, मांस, मछली में पाया जाता है। वनस्पति स्रोतों से प्राप्त पदार्थों में इसका अभाव रहता है, और B12 के अवशोषण के लिए अमाशय में एक इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है। यह फैक्टर जठर रस में उपस्थित रहता है। इसी के कमी से पर्निशियस रक्त अल्पता हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी तो आपको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि आपके किस में पाया जाता है, आंवला, अंगूर, संतरा, मौसमी में पाया जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ जाती है। अगर इसकी कमी होती है, एस्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े पीले पीले से हो जाते हैं। और पॉलिक अम्ल की कमी से भी रक्त अल्पता होता है। और यह हरे पत्तेदार सब्जियों, यकृत, दाल, मांस में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। अब खनिज लवण के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम आपके अस्थियों के विकास वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम के पीछे फास्फोरस को, फास्फोरस जो है कैल्शियम की भांति फास्फोरस भी अस्थियों के दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शरीर में कैल्शियम की अपेक्षा 20% अधिक फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि फास्फोरस और कैल्शियम का रेशियो क्या है। तो 20:100, मतलब कैल्शियम अगर आपका 20% अधिक फास्फोरस की आवश्यकता होती है, मतलब 100+120, तो कैल्शियम अगर आपका 100 है तो आपको फास्फोरस 120 आवश्यकता होगी। फास्फोरस अनाजों, दालों, सूखे मेवों, मूंगफली आदि फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है। फाइटिन एक अघुलनशील यौगिक होता है जिसका अवशोषण शरीर में बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है। और फाइटिन क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में बाधा पहुंचाता है। लेकिन ध्यान रहे, दूध में जो उपस्थित फास्फोरस का अवशोषण शरीर में जो सुगमता से हो जाता है, जो दूध में होता है फास्फोरस, उसके अवशोषण आराम से हो जाता है। लोहा, लोहा दोहा से कमी से आयरन की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसके अभाव में अधिकांश शिशु, बालक, गर्भवती माताएं रक्त अल्पता रोग से पीड़ित हो जाती हैं। और लोहा आयरन जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन तेल, मांस मछली, यकृत, गुड़ आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।